जब दिल्ली की कड़कती धूप और भीड़ भाड़ ने मेरी हालत खराब कर दी थी, तब सोचा कि क्यों ना कहीं पहाड़ों में कुछ समय घूमने जाया जाए। पर उसमें क्या मजा है, जब घूमना ही है तो जगह थोड़ी यूनिक होनी चाहिए ना। तो बस इसी क्लिप की तरह अपने पुराने कुछ सालों की यादों को फिर से ताजा करने के लिए और दिल्ली की पिघला देने वाली गर्मी को खत्म करने के लिए एक सुबह मैं निकल जाता हूँ। दिल्ली शहर से लगभग 2700 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जहाँ चारों ओर बस सुंदरता और पहाड़ों में बस हरियाली नजर आती है, मुन्नार। पर जब फाइनली मुन्नार पहुंच जाता हूँ तो इस बुरी खबर का पता चलता है। यहाँ पे कहीं पे भी रूम अवेलेबल नहीं है, पीक सीजन है तो इस चक्कर में रूम कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं इतने धक्के खा रहा हूँ। तो ये भाई है, ऑटो ड्राइवर है, अभी फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, रूम अवेलेबल करा रहे हैं, यार कहीं से तो हो जाएगा तो ठीक है। आ जा रहे हैं, वो ड्यूलेक्स रूम बता रहे हैं और वो बहुत ज्यादा हाई रेंज है, मतलब 3,000-3,500 ऐसा एक वन नाइट स्टे के लिए। तो इतना तो नहीं हो पाएगा, वो तो बजट से ही बाहर है। तो इस भारी छानबीन के बाद भी मुझे कहीं भी होटल नहीं मिलता है, तो लास्ट में मुझे ऑटो वाले भैया होमस्टे के बारे में बताते हो। और मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है चलिए। तो रूम तो मिल गया है यहीं पे, अभी मैं थोड़ी देर में जाके सीधा आपको रूम ही दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जिसे बोलते हैं ना, वो चीज है यहाँ पे। पहले तो मैं जा रहा हूँ रूम में, बैग लेता हूँ और चेक इन करता हूँ। திருப்பி வரணும்னா வாங்க, இல்லன்னா அப்படியே ஊருக்கு போகணும்னா போயிட்டு வரணும். இதுதான் சூரியநெல்லி மேல மார்னிங் போனா தான் அப்படியே இது இருக்குல்ல போகுது. ओके और मुन्नार में यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है आज की डेट पे, क्योंकि यहाँ पे अभी पीक टाइम है। अभी यहाँ पे जितने भी होटल है सारे सोल्ड आउट है। भाई ने मेरी हेल्प की है, कम से कम भी हम 7-8 होटलों में जाके पता किया, फोन किया भाई ने, उसके बाद ये पर्सनल अपने किसी ब्रदर के पास लेके आए थे। अभी जस्ट चेकआउट हुआ ही था और इन्होंने फिर एक कस्टमर खड़ा भी था तो उन्होंने मेरे को दिलवा दिया वो रूम। जल्दी से अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, आगे जितने भी साइट सीन है वो कवर करते हैं, उसके बाद कल निकलेंगे सूर्यनेली के लिए। तो ऐसा है कुछ अपना रूम, डबल बेड है, टेबल है, ड्रॉर्स वगैरह है, टीवी है, वॉशरूम है अंदर। तो अभी मैंने यही लिया, बट ठीक है कल मेरा चेकआउट रहेगा 12 बजे दोपहर में। जा रहा हूँ जल्दी से नहा लेता हूँ, 2 दिन में आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। मैं अभी बाहर से अपने लिए कुछ ये लेके आया था होटल में आने से पहले, ये एक बन रोल है, ये कुछ कैरेमल पॉपकॉर्न्स हैं और एक मिल्क शेक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप मुन्नार के खूबसूरत साइट सीन को किस तरह से विजिट कर सकते हो। वैसे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो अपनी पर्सनल व्हीकल से भी घूम सकते हैं, सेकंड आप टैक्सी या टू व्हीलर भी रेंट कर सकते हैं। टैक्सी का प्राइस 2,000 से 2,500 रुपये रहता है, स्कूटी या बाइक का प्राइस 800 से 1,200 के बीच में रहता है, एंड ये प्राइस अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होते रहते हैं। अगर आपको इससे भी सस्ते में घूमना है तो डोंट वरी दोस्तों, आपके भाई के पास इसका भी सोल्यूशन है। मुन्नार के साइट सीइंग विजिट करने के लिए आप KSRTC की बसेस से भी घूम सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस ओनली 250 रुपीस पर पर्सन होता है, एंड ये मॉर्निंग 9 बजे से चलती हैं, आपको मुन्नार के 8 से 10 साइट सीइंग तक लेके जाती हैं, एंड वापस बस स्टैंड तक शाम को 5 बजे तक छोड़ देती हैं। लेकिन अब मैं ना तो टैक्सी से जा रहा हूँ, ना ही स्कूटी या बाइक से, और ना ही किसी बस से, मैं तो जा रहा हूँ ऑटो से। जी हाँ, जिस ऑटो से मैं अपने होटल तक आया था उसी ऑटो वाले भैया से मैंने 600 रुपये में बात की, एंड जिसमें वो सभी साइट सीइंग तक लेके जाने के लिए मुझे मान जाते हैं। मैं खा चला चला और बढ़ता गया।
कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना ओ मेरी हेर हो ना खफाओ मेरी हेर जलना रुला ना कर आफरा लबरेज करना बिजा दिल मेरा गुआरा दिल मेरा गुआरा दिल मेरा दिल मेरा कुवारा दिल मेरा कुवारा दिल मेरा कुवारा दिल मेरा जगाए अभी मेरे पीछे आप जितना भी देख रहे हो ये सब टी गार्डन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का टी गार्डन है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। और पीछे देखो कितना एक ब्यूटीफुल व्यू है। जहाँ तक देखोगे सिर्फ वहां तक तुम्हें दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन ही दिखेंगे। तो टी गार्डन ही है। दार्जिलिंग एक अपने आप में अलग ही फेमस जगह है टी गार्डन के लिए और केरल अपने आप में ही है। दोनों ही लाजवाब जगह है। कभी दार्जिलिंग भी जरूर जाएंगे अपन और वहां का भी तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तो सेकंड लोकेशन है मेरी केरला फार्म। केरला फार्म के अंदर अब वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो अलाउड नहीं था बट फोटो क्लिक कर सकते हो। जब आप केरला फार्म में एंटर करेंगे तो वहाँ आपको 100 rupees जीप के पे करने होते हैं और जीप से बैठ के आप नीचे फार्म तक जाते हैं एंड वहाँ आपको 5 से 6 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और आपके साथ एक गाइड होते हैं जो आपको प्लांट्स के बारे में नॉलेज देते हैं एंड किस प्लांट को किस डिजीज में मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है ये सब आपको वहाँ बताया जाता है। और अगर आप चाहें तो वहाँ से मेडिसिन खरीद भी सकते हैं और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीद के घर ला सकते हैं अपने साथ। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिना प्रॉपर नॉलेज के वहां से कुछ भी सामान खरीदें। पहले तो वहां का सामानों का प्राइस हाई रेंज है। सेकंड, मैंने जब केरला फार्म के बारे में रिसर्च की तो काफी बैड रिव्यूज देखने को भी मिले। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, प्लांट्स के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। तो जी, फोटो पॉइंट और केरला फार्म अच्छे से घूमने के बाद अब ऑटो वाले भैया मुझे ले चलते हैं थर्ड लोकेशन की ओर, जो कि है केरला की सेकंड हाईएस्ट जिप लाइन। अब क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है तो इस रास्ते के बीच में मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो साउथ इंडिया की सोलो ट्रिप पर मैं निकला हुआ हूँ, शायद मैं इस ट्रिप पर नहीं आने वाला था क्योंकि ट्रिप पर निकलने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। तुम्हें पैसा देखना होता है, तुम्हें समय देखना होता है, डर लगता है कि अनजाने प्लेस पर कैसे जाओगे। तब उसी दिन मेरे एक डांसर फ्रेंड का कॉल आता है। वो मुझे बताता है कि उसके घुटने में ट्यूमर डिस्कवर हुआ है और डॉक्टर ने उसे कह दिया है, भाई डांस तो भूल जाओ, अगले 3-4 महीने तक तुम चल फिर भी नहीं पाओगे। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें लाइफ के बारे में क्या ही पता है, आज है शायद कल नहीं, तो क्यों ना इस समय में थोड़ा सा रिस्क लेकर जो चीज़ मेरा दिल जोरों से कह रहा है वो एक्सपीरियंस कर लिया जाए। बारिश का पानी खत्म हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ ये
खोपड़े से हेलमेट उतरवाने और ये फंदा उतरवाने, मजा आया लिटरली, बहुत मजा आया। जब जा रहा था तो मन कर रहा था वापस उतर जाऊं और बोल दूं भैया तुम पैसे रख लो बस मेरे को जाने दो, बट फिर उसके बाद मेरा मूड हुआ कि जो यहाँ जाएगा जो होगा सो होगा, पैर सामने रखो आँख बंद करो और कूद जाओ। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ़ोन लेके चला जाऊँगा, बट फिर भी मैं गया और फ़ोन लेके ही गया और अमेजिंग था बहुत। नीचे जो यार व्यू दिख रहा था ना पहाड़ों के बीच में, बहुत ही लिटरली अमेजिंग था, वाव वाला मूवमेंट था वो, वाव वाला। अब मैंने माइक नहीं लगा रखा तो इससे आपको थोड़ी सी नॉइस कि ये चपड़ चपड़ आ रही होगी। तो अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी डेस्टिनेशन पे और देखते हैं अब क्या देखने वाले हम, चलते हैं। अब एक लोकेशन पे आए हैं, ये है एलिफेंट राइड लोकेशन। तो यहाँ पे जो है एलिफेंट राइड होता है, ठीक है, हाथी पे बैठो और बढ़िया चक्कर काटो। ये जो पार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये हाथी दिख रहा होगा आपको ऊपर जाता हुआ, यहाँ से ये ऊपर जाएगा और थोड़ा आपको वहाँ पे ऊपर घुमाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको वापस रिटर्न लेके यहीं पे आ जाएगा। तो इसकी जो टिकट प्राइस होगी वो मैं आपको अभी पूछ के एक बार कंफर्म बता देता हूँ कितना रहेगा। मेरा तो मन नहीं कर रहा ये करने का, अब मैं यार पहाड़ों में कूदने वाला या हाथी पे थोड़ी चढ़ूँगा, तो बस इसीलिए मजाक कर रहा हूँ, पैसे नहीं है इतने। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा बाहर, मैं आपको दिखाने के लिए आया था ओनली ये जगह, वैसे बच्चों के लिए ठीक है ये सब। तो मैं जा रहा हूँ अब दूसरी जगह पे, एलिफेंट राइड के बोलो चार्ज एलिफेंट राइड। तो एक बंदे का यहाँ पे 600 रुपए है, 600 रुपए प्राइस है, 600 रुपीज, ओके। एंड अब मैं जा रहा हूँ बाहर दूसरी लोकेशन पे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश हो रही है और बाहर बारिश में घूमना मतलब तबीयत खराब करना। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे भी खांसी जुकाम चल रहा है यहाँ पे आने के बाद से ही। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे, मेरा फोन का स्टोरेज भी भर चुका भाई कसम से, अब तो मिलते हैं थोड़ी देर में। डैम है ये चेंगलोंग डैम है, आवाज आपको शायद मेरी साफ ना आ रही हो बट मैं फिर भी चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये चेंगलो डैम है। और अभी बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो बाहर जाके मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकता। वहां पे देख रहे हो आप, शायद आपको दिख रहा हो, वहां पे हाउस बोटिंग होती है ना, हाउस बोटिंग है, वो रोक के साइड में है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा पानी अंदर आ चुका है यार, अब तुम समझ सकते हो। और ये वाला जो फील है ना, ये सिर्फ यहाँ केरल में ही मिल सकता है, कभी भी मौसम चेंज होना और तुम्हें हर चीज का एक्सपीरियंस तुम ना खुल के उठाओगे। चलते हैं अब आगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल बादल अब यहाँ तक आ चुके हैं, पहाड़ों के बिल्कुल अनाली ऑटो के ऊपर से जा रहे हैं, ये देखो वो भाई जो सुन देख रहे हो ना, ये बादलों का पानी है, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नीचे बहुत ज्यादा बादल बादल हो रखा हर जगह, ये देखो वाओ। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम के अंदर, बाहर बहुत बारिश हो रही है और वहां पे खाने का मेरा मन नहीं था, मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब हो रही थी और मेरे को बाहर बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पैक करवा के सीधा आता हूँ रूम पे और खाता हूँ। तो मैंने एग फ्राइड राइस पैक करवाया था, फोकस फुल गर्म है अभी भी। मुन्नार में आपको खाने पीने की तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, जैसा यहाँ लोकेशन है ना, जितना सुंदर यहाँ का लोकेशन है उतना ही ज़्यादा टेस्टी मिलेगा आपको यहाँ पे, तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, नॉर्मल ही है। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं कसम से, पोलाइटली हम्बल है ना बहुत ही ज़्यादा, साउथ साइड के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे मुन्नार में घूमने फिरने की जगह भी काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है घूमने के लिए, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, जितने भी मुन्नार के साइट सीन थे मैं वो देखने के लिए, मैंने 10 जगह की टोटल बात की थी। उसके बाद मैं जो मेन जगह थी मैं वहाँ गया और वो सारी जगह वर्थ थी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया। फिर 6-7 जगह मैं गया और उसके बाद मैंने ही उनको बोल दिया कि भैया अब आप लेके चलो मेरे को होटल, क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी थोड़ी और बारिश आ रही थी, यहाँ पे ठंड भी इस टाइम भी बहुत ज़्यादा है कसम से। खाना खाने के बाद सीधा मेडिसिन लेके अब मैं सो जाऊँगा और सुबह मेरे को जाना है सूर्य निल्ली के लिए। आज का व्लॉग बस इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अकेले ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत कुछ सिखा रहा है और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना, उन लोगों से दोस्ती करना। आज मैं केरल फार्म में जब गया था तो तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने
वहां पे इतने भी मतलब मेरे साथ ग्रुप था, ग्रुप में हम डिवाइड हो गए थे, तो मेरे साथ जो भी लोग वहां पे अंदर थे तो वो ओल्ड मतलब बहुत ज्यादा एज के थे मेरे से कम भी 50 प्लस थे सारे, और मैंने उनसे इस तरह से बात की, उन्होंने मुझसे तमिल में, हिंदी में, इंग्लिश में जिस तरीके से हो सक रहे थे हम उनसे एक दूसरे सबसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, बट रियली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सबसे मिल के यहाँ पे। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग एंड जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे थे, होटल वाले भैया, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। आप लोगों को भी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, देखो मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने YouTube के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी, और सारी सीरीज़ देखना तमिलनाडु की और साउथ इंडिया की, जितने भी जगह मैं विजिट करने वाला हूँ सारी एक से बढ़कर एक होने वाली है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करता हूँ, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। टिल देन स्टे, बाय, पीस एंड लव, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।